بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام آج 18 رمضان المبارک ہے جتنے بھی ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین کرام ہم کسی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی کا حصہ ہوں تو وہاں پر ایک چیز جو لازمی ہے اہم ہے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے وہ ہے وہاں کے قواعد و ضوابط اصول کچھ رولز ہوتے ہیں ہر جگہ کے لیے کچھ رولز ہمارے لیے ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بدلے پھر وہ کمیونٹی ہمارے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے سب مل کر کام کرتے ہیں تو ہی ہماری رہائش آسان ہو جاتی ہے زندگی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں کہتے ہیں وہ کمیونٹی بہت اچھی ہے وہ رہائش کی جگہ بڑی بہترین ہے وہاں پر رولز بہت اچھے ہیں تو وہاں صرف یہ رولز اچھے نہیں ہوتے کہ اس کمیونٹی نے کچھ چیزیں اچھی کر دی ہوں اور لوگ بڑی خوشی سے رہتے ہوں وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی جو ان کے فرائض ہیں اچھی طرح سے نبھاتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں توازن یا بیلنس وہاں پر کھو دیتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ دوسروں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں
हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जहाँ सवाल होता है कि तुमने क्या किया, वहाँ हम सब भूल जाते हैं। तो आपके हुकूक भी हैं, फ़राइज़ भी हैं। हम क्या करते हैं कि हम फ़राइज़ भूल जाते हैं, हुकूक हमें हमेशा याद रहते हैं। उस हुकूक के लिए हम पहले मोहब्बत से दरख्वास्त करते हैं, फिर लड़ाई तक भी पहुंच जाते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से भी मनवा लेते हैं बात, लेकिन हम अपना हक कभी नहीं भूलते। हम कहते हैं हक पर बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये बात कहे तो हम फिर बहानों से काम लेते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम कुछ नहीं करते, लोगों को भी हमसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, एक तो उन्हें हम फेल करते हैं, और फिर क्या हम इस काबिल हैं कि हम फिर उम्मीदें रखें अगर हम किसी के काम नहीं आ रहे। इस ट्रांसमिशन में आज इसी पर बात करेंगे। हमारे उलमाए दीन अलामा कौकब नूरानी उकाडवी साहब जब आएंगे यहाँ पर, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आज ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपने तिलावत कलाम रहमान यहाँ पर पेश की, और आप सबके बहुत पसंदीदा इमरान शेख अतारी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। 18 रमज़ान मुबारक की सहर नशरियात है, और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाडवी साहब। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आज का हमारा मौजू है उम्मीदें और तवक्कुआत। हम अपने हुकूक हमेशा याद रखते हैं, फ़राइज़ हमेशा भूल जाते हैं, तो ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मयार, इसका क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अलिफ मीम लाम अमल अरबी में उम्मीदों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ चाहिए थी वो पहले दी और फिर हम पर ड्यूटीज़ लगाएं। हमें करार पकड़ने के लिए, ठहरने के लिए ज़मीन चाहिए थी, वो पहले है, हम बाद में। हवा, पानी, ग़िज़ा, जो भी हमारी ज़रूरत थी वो पहले, क्योंकि ज़रूरत पहले होती है, ज़रूरतमंद बाद में होता है। इससे एक पैगाम मिला कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिया गया। क़ुरान ने वाज़े कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम्हारी वसअत बर्दाश्त से ज़्यादा कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी गई। ठीक है, मैं चाहता सब कुछ हूँ, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अच्छा, दुनिया में हासिल करने के लिए मेरे सामने है, मैं दुनिया के किसी मुल्क में हूँ, मुझ पर कुछ पाबंदियाँ होती हैं, अगर वो मैं पूरी नहीं करता तो वो मुझे अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे का फ़र्द शुमार नहीं करते, कहते निकल जाओ। ठीक है, अल्लाह ताला हमें निकालता नहीं है, लेकिन हम फिर भी तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले दो अफराद से मिलकर एक घर बना, चंद घर मिलके ख़ानदान बने, ख़ानदान मिलके मुआशरा बना, तो मैं हाथ उतना ही फैलाऊं कि दूसरे को ना टकराए। मुझे अपने लिए जो चाहिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, वो मोमिन नहीं है जो अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए करे। यानी अगर वो अपने भाई के लिए वही पसंद नहीं करता तो वो मोमिन ही नहीं है। यहाँ पर ड्यूटी, फ़राइज़, उसका तो ज़िक्र ही हो जाए तो हो जाए, मांगो नहीं। हुकूक़ के लिए लड़ना भी है, छीनना भी है, मुकदमे भी करने हैं, तो मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे तवाज़ुन करना है अच्छी ज़िंदगी के लिए। मुझे खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है, मगर मैंने जो तशख़्ुस आइडेंटिटी पाई है उसके कुछ तकाज़े हैं, मुझे वो भी पूरे करने हैं। मैं बाप हूँ तो, मैं भाई हूँ तो, मैं शौहर हूँ तो, मैं बेटा हूँ तो, यही रिश्ते हैं ना। उसके बाद हम दोस्त भी बना लेते हैं, हम बैलेंस भी नहीं करते और हम परवाह भी नहीं करते। अल्लामा साहब, बैलेंस की आप अगर बात करें, बैलेंस के लिए पहला स्टेप होना क्या चाहिए, किस तरह से बैलेंस आएगा लाइफ? आगे ही होती है, पहचान हो कि मुझे क्या करना है, इसको क्या देना है और इससे क्या लेना है। हमें हुक्म दिया गया कि इस बुनियादी इल्म हासिल करें। अब बुनियादी जो है बेसिक नेसेसिटीज़, मैंने कमाना किस तरह है, मजदूरी करनी है तो किस तरह करनी है। मज़दूर को ये हदीस याद है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मज़दूरी मिल जाए। ये लफ्ज़ बिगड़ा हुआ है, लफ्ज़ मुजदवर था, मज़दूर बन गया, लेकिन राइज हो गया, अब चलता है।
अब वो मजदूरी, दूसरा कहता है इसको पसीना तो आए, पसीना आया ही नहीं है, एसी में काम करता है नहीं वो एसी में, बहुत से लोग माशा हम जो एसी में बैठे हैं हमारे पीछे कितने काम कर रहे हैं जो गर्मी में, वो बॉयलर पे जो ड्यूटी है जिसकी, उसका भी सोचें, सड़क पे खड़ा हुआ जो पुलिस वाला है उसको भी सोचें, या बाप आता है घर में सारा दिन धूप में खड़ा होकर रेडी लगा कर जो कुछ करके आता है बच्चों को, उसका भी एहसास। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगा कि मुझे कोई चीज़ पाने के लिए कुछ करना है और वो मेरे लिए लाजिम है। कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज़ कर दी गईं, कुछ वाजिब कर दी गईं, कुछ हमारे ऑप्शनल हैं, ऑप्शन पे छोड़ दिया। फ़राइज़ वाजिबात में से नहीं करते तो हुकूक़ नहीं मांग सकते। अब हमने अदा नहीं किया है तो हम मुतालबा भी ना करें, भी नहीं कर सकते। अब इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट होती है जो सबसे ज़्यादा मरकजी हैसियत रखती है, क्योंकि अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के तरीक़े पर होते हैं। तो वो अगर सिर्फ बातें करना सिखाएंगे, वो सिर्फ वादे करना सिखाएंगे, दावे करना सिखाएंगे, कौम में कभी सही नहीं होगा। हम बदर का जिक्र कर रहे थे कल जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट तकसीम किए, 70 ऊँट थे 300 के लश्कर के पास, तो हुजूर ने फरमाया बारी बारी, 2 घंटे एक बैठेगा, फिर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा, एक ऊँट पे 3-3 आदमी। खुद जो अपने लिए ऊँट रखा वो भी अकेला नहीं रखा, उसमें भी बारी रखी। सुभान अल्लाह, दुनिया को क्या मिसाल गई कि खुद, हालांकि वो आप हमेशा कहते हैं इख्तियारी तौर पर, वो चाहते तो पूरा ऊँट क्या उनके लिए 4 ऊँट होते हो, फरमाया नहीं, अपने लिए भी जो ऊँट रखा उस पर बारी, और उसको बिठाते थे और ख़ुद चलते थे। तो ये मिसालें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख़वातीन के साथ घर के कामों में हिस्सा डाल देते थे, हम तोहीन समझते हैं कि पूरी कायनात के लिए एग्जांपल सेट करनी थी ना। तो हमने वहीं से सीखना है। उम्मीदें मेरी बहुत हैं, मेरे बच्चे मेरा अदब करें, मेरे दोस्त मेरे साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत करें और मैं कुछ ना करूँ, ये तो नहीं हो सकता। अब ससुराल का हक है, बीवी का हक है, रिश्तेदारों का हक है। बीवी को ले आया हूँ, माँ को भूल गया हूँ, या माँ की इतनी कदर के बीवी को भूल गया हूँ, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमने आगही कि मुझे कौन से रिश्ते का कितना हक है वो सीखना है, और मेरा उस पर क्या है कि, क्योंकि फ़िक जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ उर्दू में फ़िका कहते हैं, फ़िक उसके 2 लफ्ज़ हैं, मा लहू व मा अलैह, उसके लिए क्या है और उस पर क्या है, उसके लिए क्या है और उस पर क्या है, ये पूरा इल्म क्या है, फराइज क्या है। सुभान, ये तो अगर एक तरफ होगा तो फिर तवाज़ुन कैसे होगा, बैलेंस कैसे होगा। आप छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, कहीं लाइन में लगना पड़ता है, कहीं आपके लिए कोरा डाला जाता है, वो सब गवारा कर लेते हैं, जो फ़राइज़ वाजिबात हैं भूल जाते हैं। तो मुझे अपने बच्चों को खिलाना है पिलाना है, बीवी को खिलाना पिलाना है, या जिस जिस का मुझ पर हक है मैंने उसका हक। यहाँ बिगड़ती बात कहाँ है, गलत फरमाइशों से, गलत तकाज़ों से। पता है उनको कि हमारे बाप की ये हैसियत नहीं है, फिर तकाजा करना, शौहर की नहीं है बीवी का तकाजा करना, तो इस तरह क्या होता है, हराम में पड़ जाता है बंदा। तो आगे ऐसी ख्वाहिशें करना जो आपको अंदाज़ा हो कि वो पूरी नहीं कर सकते, अब फिर भी आप ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो नाजायज़ उम्मीदें, नाजायज़ ख्वाहिशात, वो भी अच्छी नहीं है। और उनके लिए, और फिर ये कि एक शख्स से हक ही हक दिया जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा, ये भी हमारे यहाँ बहुत है। अच्छा, घरों में है, हम किसी एक पर इतना बोझ डालते थे, मैं इस पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मसलन एक भाई है वेल ऑफ है, सारे ख़ानदान ने उस पर बोझ डाल दिया। बिल्कुल ऐसा होता है, कहीं एक जगह कोई कमज़ोर है तो सब उसी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो ये बहुत गलत बातें हैं। अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी खुशगवार हो, हमवार हो, तो मैं अपना हक पहचानने से पहले अपना फ़र्ज़ पहचान। बिल्कुल ठीक है, अपना हक पहचानने से पहले अपने फ़र्ज़ को पहचानिए, और ये सबसे जो फर्स्ट स्टेप है तवाज़ुन या फिर बैलेंस की तरफ, वो ये है कि आपको आगही होनी चाहिए कि आप, ये सब तो हमें मालूम होता है, बल्कि जितने हुकूक हैं उससे ज़्यादा हमें मालूम होते हैं, लेकिन जो फ़राइज़ हैं वो हम भूल जाते हैं।
आप सबके बहुत पसंदीदा जिनका बहुत इंतजार कर रहे होते हैं शेख तारिक अहमद शाजी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर में हम बाकायदा तौर पर अपने सेगमेंट वैया का नस्तईन का आगाज़ करेंगे। इमरान भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इमरान भाई से भी एक और कलाम की दरख्वास्त करनी है, लेकिन उससे पहले हम बढ़ रहे हैं किचन की जानिब और शेफ सुमैरा आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। 18 रमजान और मुबारक, और आपने बहुत खूबसूरत रंग पहना हुआ है। थैंक यू। आप क्या बना रही हैं आज सहरी में? आज देखिए मेरा टेबल पूरा सेट हुआ है, बिल्कुल सिंपल बट काफ़ी सारे, बहुत सिंपल है। हम बना रहे हैं ऑमलेट, ठीक है, बट ऑमलेट को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, पिज्जा ऑमलेट। पिज्जा ऑमलेट, हाँ। अच्छा, एक तो बात है जो सबको माननी चाहिए, वो ये कि ऑमलेट एक बड़ी कॉमन सी बात लगती है बन रहा है, लेकिन हर कोई नहीं ऑमलेट बना सकता। कभी किसी के पीसेस सख्त हो जाते हैं, टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होता। सॉफ्ट उसको रखने के लिए किसी भी एग को, स्क्रैम्बल आप बनाओ कुछ भी, तो उसमें 2 टेबलस्पून, अगर एक अंडे में 2 टेबलस्पून आप दूध ऐड कर दो ना, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लफी उसका, हाँ, बनता है। स्क्रैम्बल एग में दूध, मैं कभी कभी क्रीम भी शामिल करती हूँ, उससे भी जबरदस्त बनता है। तो कोई भी डेयरी चीज और होती है राबिया, कि आप 2 अंडे फुल ले लो और 2 सफेदी ले लो, अच्छा, बीट कर लो, एग वाइट ज्यादा, यस, तो वो फ्लफी हो जाता है। चलिए, ये मेरी इन्फॉर्मेशन में ये ऐड हो गया। आप इंग्रेडिएंट्स बता दें। मैं अभी इसको बीट करूँगी थोड़ा सा बीटर से, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थाइम और ओरिगैनो लीव्स, ये सारे पिज्जा वाले हर्ब्स होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लाल मिर्चे, नमक, दूध, ठीक है, ये सब कुछ डाल दिया। फ्राई पैन में मैंने डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ये हम पूरा फैला देंगे। जब अंडा फ्राई हो जाएगा उसके ऊपर हम ये सारी अपनी पिज्जा की टॉपिंग डालेंगे। जबरदस्त। अनियन चॉप्ड, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, टोमेटोज चॉप्ड, कैप्सिकम एंड ऑलिव्स, इसमें आप मशरूम्स भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, चिकन टिक्का चंक्स डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद है घर में। अब तो वो पाइनएप्पल पिज्जा भी आ गया है, एग्जैक्ट, लोगों को बड़ा उससे गुस्सा चढ़ता है, बट आई हैव ट्राइड इट वंस इन दुबई और बहुत ही मुझे मजे का लगा। अगर वो थिन एंड क्रिस्पी हो ना, बहुत, हाँ, थिन क्रस्ट था और बड़े छोटे छोटे चंक्स थे उसमें पाइनएप्पल के, मुझे तो अच्छा लगा, स्वीट एंड सावर मिक्स लग रहा था। और लास्ट में ये चीज हम डालेंगे, तो चीज से ये होगा कि 2 मिनट के लिए इसको हम ढकेंगे। और कौन सी चीज डालेंगे इसमें? चेडर चीज, ठीक है। और फिर उसको हम ढकेंगे, जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो हम उसको निकाल सर्व करेंगे बेक बीन्स के साथ और टोस्ट के साथ। गुड, सो पिज्जा ऑमलेट बन रहा है आज। यस, जबरदस्त पिज्जा ऑमलेट हम यहाँ पर बनाएंगे। और डालडा कुकिंग ऑयल सबसे पहली चीज है जो ऐड हो चुकी है, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और फिर साथ में आप जामे शीरी, तो वो तो लाजमी होता है हमारी सहर में भी और अफ्तार में भी। एक और जो जबरदस्त बात मैंने आपको अफ्तार में बताई थी, क्योंकि मुझे कल मुफ्त में जामे शीरी का एक डब्बा मिल गया था, क्योंकि मैंने सही गेस किया था, नाहिद आपा ने जो मुझसे सवाल किया वो उसका जवाब मैंने सही दिया था। तो जहाँ हमारे यहाँ पे गेस्ट जीत कर जाते हैं चीज़ें, वैसे मैं होस्ट भी कुछ ना कुछ जीत जाती हूँ। तो जामे शीरी आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप नॉर्मली तो जामे शीरी यूज़ करते ही हैं, आप इलायची वाला दूध में डाल के बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था पिंक दूध वाला बना सकते हैं आप, जो नॉर्मल जामे शीरी होता है, लेकिन साथ में आप फ्रूट चाट और दीगर अपने खानों में भी उसको एज ए टॉपिंग या टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर चीज़ ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं, आप इसको बीट भी कीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना सेगमेंट वैया का नस्तईन। शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और साथ में जो आपने मैसेजेस भेजे हैं उन्हें भी शामिल करेंगे, और उनका जो वज़ाइफ हैं, रूहानी इलाज हैं, वो पूछेंगे। सबसे पहले शेख साहब, जो हमारे पास सवाल आया मेरे पास, वो ये है कि एक बच्ची है जो कहती है कि मेरा पिछले साल मेडिकल का एंट्री टेस्ट दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई, बहुत शौक है डॉक्टर बनने का और बहुत इंटेलिजेंट रही हैं, हमेशा कह रही हैं क्लास में टॉपर रही हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा हो गया है कि ज़ाहिर है अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं, तो कह रही हैं कोई इसका वजीफ़ा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए सूरह अलमनशरा 41 मरतबा पढ़ें। सूरह अलमनशरा 41 मरतबा, आगे पीछे दुरूद शरीफ, ठीक है। और इसमें एक आयत आती है, फा इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा, ठीक है। इसकी 3 दफ़ा तकरार करें। अच्छा, जब यहाँ पर पहुँचे तो इसको 3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह इसको 41 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका मसला, यानी रोज पढ़ना ये 41 मरतबा अलमनशरा, और कुछ अरसे इसको जारी रखें, ठीक है। और जब दूसरा जाहिर है एंट्री टेस्ट के लिए जा रही हूँ तो उससे पहले तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। मैं आरजू बात कर रही हूँ यूके से। जी कहिए आरजू। मुझे हकीम साहब से ये पूछना था कि मुझे पिछले 3 साल से कमर का प्रॉब्लम है, मुझे दर्द थी तो मैंने दर्द की वजह से स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाया था कमर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे L3, L4 और L5 के नर्व रूट इरिटेट हो गए हैं। अच्छा। तो इरिटेशन की वजह से पिछले 3 साल से मेरी एक टांग के अंदर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहती है और टिंगिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत जलन हो,
अच्छा, कीड़ियाँ रेंग रही हैं। अच्छा, तो मतलब एक बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, जैसे नंब हो जाता है। रोहानी भी बता दें, ठीक है, नुस्खा भी बता दें जी। ठीक है ठीक है, जैसे नंब हो जाता है आपका कोई भी हिस्सा, उस तरह से आपको फील आ रहा होगा। शेख साहब बड़ी डिटेल में इन्होंने बताया। इसके लिए ये है वजीफा, तो सूरह यासीन आयत नंबर 78-83 पढ़ें, 78 रोजाना जी 41 बार पढ़ के पानी वगैरह पे दम करें, और किसी मसाज क्रीम पे भी दम कर लें जो मसाज करें, किसी भी मसाज की क्रीम पे। ठीक, और अगर कोई मसाज क्रीम ना हो तो रोगन जैतून ले लें एक्स्ट्रा वर्जिन, ठीक है, इस पे दम कर लें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक नुस्खा है मेथी दाना और अलसी, अलसी जी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें 50 ग्राम इसके अंदर लें और कलौंजी 10 ग्राम डालें इसके। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मेथी दाना और अलसी 50 ग्राम और कलौंजी 10 ग्राम, इनको पाउडर बना के रख लें, आधी आधी चम्मची सुबह शाम लें। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला ये कमर के मोहरों का जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा सुभान अल्लाह, ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कहिए क्या पूछना चाहेंगे शेख साहब से। मैंने ना अपनी अम्मी के मुताबिक पूछना था, उनके ना 4 साल से पिछले आधे सर का दर्द था, तो वो बहुत ज्यादा इलाज वगैरह भी करवाए, तो अब बहुत ज्यादा हो गया है, झुका तो नहीं जाता सर में, चक्कर आधे सर के बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी भी आधे सर में ही दर्द होता है, जैसे माइग्रेन का दर्द ज्यादा होते हैं। यार आप बात ही कर लें अम्मी से। अच्छा चले, अम्मी से बात करा दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, क्या हो गया आपके सर में दर्द होता है बहुत? चक्कर बहुत है, आधे सर के चक्कर की वजह से ना मुझे ना सीधी साइड से लेटा नहीं जाता। अच्छा, सीधी साइड पर होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, थोड़ा सा दिल का मसला भी है, थोड़ा सा मेदे का भी प्रॉब्लम है, रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ। अच्छा ठीक है, हल्का फुल्का बिस्किट खा लिया है या कोई हल्का दलिया खा लिया, बस ये चीजें खाती हूँ। ठीक है ठीक है। सिर के चक्कर है ना, मैं आपका प्रोग्राम तो बड़ी शौक से देखती हूँ जी, सिर के चक्कर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो आंटी आपके राइट साइड पे होता है सर में दर्द? दर्द भी रहती है सिर में, राइट, सीधे हाथ पे दर्द होता है, चक्कर है ना, सर झुकाया जाता है मुझसे और ना एकदम सर खड़ा कर, आधे सर से चक्कर उठता है। ठीक है ठीक है, हम पूछ लेते हैं शेख साहब से। शेख साहब, इसके लिए वजीफा तो ये है कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81-83। अच्छा, ये रोजाना 25 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिए। अच्छा ठीक है, और इनके लिए नुस्खा ये है कि सौंफ, बादाम, धनिये की गिरी, कलौंजी और चने भुने हुए चने। अच्छा, इन सब चीजों को हम वजन लेके पीस के रख लें, पाउडर बना के आधे आधे छिलके भी होते हैं चनों के, उसके साथ छिलके समेत, छिलके समेत, क्योंकि उसमें तो बड़ी ताकत होती है छिलकों में, तो छिलके समेत पीसें, आधी आधी चमची सुबह शाम लें, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त भाई, जबरदस्त। और इतने अरसे से इनको है, अगर इससे वाकई फायदा हो जाता है, खुलूस नीयत के साथ कीजिएगा ये इलाज, तो इंशाल्लाह अच्छा इसका आफाका होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कहिए। अस्सलाम जी, मेरे शौहर का मसला था जी, ठीक है ना, मैं ना मेरे शौहर की जुबान ना बीच में से जैसे खुल जाती है। अच्छा, 1.5 साल हो गया इलाज कराते हुए, लेकिन कोई आफाका नहीं होता, और परहेजी खाना खाते हैं, ठीक है, मिर्चे बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ दाल और सब्जी खाते हैं। तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी, डॉक्टरों को भी दिखाया है, होम्योपैथिक का भी इलाज किया है, हकीमी किया है, लेकिन वक्ती तौर पे आराम आता है, फिर दोबारा ऐसी हो जाता है, कोई जिगर का बोलता है, कोई मैदे का बोलता है। ठीक है, अभी भी इलाज चल ही रहा है लेकिन आराम नहीं आता। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। ओके शेख साहब जी, इनके लिए ये है कि सूरह फातिहा, सूरह फातिहा रोजाना 40 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं। ठीक है, और सौंफ, धनिये की गिरी, ठीक है, गुलकंद, सौंफ, धनिये की गिरी और गुलकंद, इन तीनों को पीस के ना एक जगह कर लें और एक एक चम्मची सुबह शाम इनको दें। अच्छा, ये मैदे की गर्मी और जिगर की हरारत की वजह से होती है कि हरारत जिगर में ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये सही। जबरदस्त, मुझे ये आपके साथ सेगमेंट करके पता चला कि गुलकंद के इतने ज्यादा फायदे हैं, वरना हमें तो बस लगता था कि वो गुलकंद से पान में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं। गुलकंद बहुत लाजवाब चीज है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनको भी शामिल करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है शेख साहब, और वो मुख्तलिफ नौयत से यही क्वेश्चन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से पूछा है, तो हम इसको एक तरीके से पूछ रहे हैं। खातून ने जिन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को ससुराल में बहुत मुश्किलात का सामना है, शोहर का रवैया ठीक है लेकिन सास नंदों का रवैया ठीक नहीं, कोई वजीफा बताएं कि उनकी बेटी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। जी, इसके लिए ये वजीफ़ा बहुत और उम्दा और लाजवाब है कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31।
सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31। अगर ये रोजाना 40 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला इनकी ससुराल के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, वो बच्चियाँ जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ी हुई हैं, वो या रऊफ हो या रहीमो की एक तस्बीह पढ़ लिया करें, या रऊफ हो या रहीमो जी, अच्छा जबरदस्त, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छा वजीफा है, ये लोगों को मेहरबान करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ में फिर ऐसी बच्चियाँ कोशिश भी करें कि कुरान पाक को सीख लें, ताकि उसकी बरकत बहुत ज्यादा जिंदगियों में होती है, वो भी शामिल हो जाए। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने बताया था, मेरे ना पथरी है, रिजवान बात करूं फैसलाबाद जी। रिजवान, पथरी है आपको? हाँ जी, पथरी गुर्दों में पथरी है? गुर्दों में पथरी है, राइट साइड पे 18 mm है, लेफ्ट साइड पे 20 mm, 27 mm। अच्छा, 27 mm की भी है। जो लेफ्ट वाली है ना, वो गुर्दे के ऊपर है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, आप इलाज अभी करवा रहे हैं? हाँ जी, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, ब्लड अप हो जाता है, हाँ जी, पेशाब की कमी रहती है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं, खाने पीने को दिल नहीं करता। ठीक है, हम पूछ लेते हैं शेख साहब से जी। और काफी मेरे ख्याल में बड़ी साइज होता है बच्चियों का, 27 तक तो काफी बड़ा है जी। और इसके लिए यह है कि सफूफ़े अक्सीरे गुर्दा, सफूफ़े अक्सीरे गुर्दा, गुर्दा, ठीक है जी। और हब्बे अक्सीरे गुर्दा, ये है ही इसी गुर्दे की पत्तियों के लिए। अच्छा, और शरबत बजूरी, ठीक है, दो गोलियां और आधी चमची सफूफ, सुबह नहार मुँह दो चमचे शरबत बजूरी एक गिलास पानी में मिला के उसके साथ इस्तेमाल करें ये। ठीक है, और खाने में खरबूजे का इस्तेमाल करें मगर छिलके समेत खाएं। छिलके समेत, ये मेरे भी किडनी में एक वक्त पे हुआ ये पेन, तो मुझे सबने कहा छिलके समेत खरबूजा खाएं, मैंने कहा मैं पेन बर्दाश्त कर लूं जी, जी। मैं छिलके के साथ नहीं खा सकती। छिलके समेत अगर खाते हैं ना, छिलके में पथरी को तोड़ने की बहुत खासियत है जी जी। और ये गुर्दों के वर्म वगैरह को भी दूर कर देती है, लेकिन इनके तो काफी तकलीफ है और पथरियां भी ज्यादा है, तो आपको तो ये करना पड़ेगा। एक और सवाल है, पूछते हैं भाई कि मैंने ग्रेजुएशन किया, एक साल से जॉब की तलाश में, कई जगह सीवीज भी दिए, इंटरव्यूज हुए, लेकिन एन मौके पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि रुकावटें जो जॉब रिलेटेड हैं वो दूर हो जाएं। इसके लिए ये है कि इस्म अल्लाह ताला का है, या वहाबो, या वहाबो, इसको रोजाना 1400 मरतबा पढ़ें, रोजाना 1400 जी, और आसानी से पढ़ लिया जाएगा जी, आगे पीछे इसके 14 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है, अव्वल और आखिर। तो अगर कुछ अरसे ये इसको इस्तेमाल करें तो पढ़ने में रखें या वहाबू, तो जितने लोग हैं इनके जॉब्स के मसाइल हैं वो याद कर लें, 1400 मरतबा या वहाबू पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 14 मरतबा पढ़नी है। जॉब रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं जो मैं रोज़ शामिल नहीं कर सकती, कुछ एक ही तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि एक साथ कर लें, ताकि उन सब के लिए बेहतरीन वजीफा है जिनको जॉब ना मिलती हो, जॉब ना मिल रही या जिनकी आमदनी कम हो, अच्छा, या जिनको रोजी रिस्क की तंगी रहती हो, या बरकत ना होती हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो चलते फिरते आप लोग तस्बीह पढ़ा करें, खुद जो है हजरत वो हमेशा तस्बीह में पढ़ रहे होते हैं कोई ना कोई चीज, तो ये तो इसकी बहुत बरकत होती है अल्लाह के नामों की। हमारे साथ एक कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई भाभी 2 साल से अलग रह रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि भाभी हमारी घर आ जाएं वापस। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ पूछना चाह रही हैं वजीफा? जी जी, और बालों का भी मसला है, बालों के लिए भी कोई वजीफा बता? अच्छे बालों के लिए, ठीक है, वो मैं पूछ लेती हूँ। तो बहुत सारी खवातीन सुनना चाहती होंगी, पहले लेकिन जो असल मसला है भाई और भाभी की अलहदगी हुई हुई है, यानी कि दूर रहते हैं एक दूसरे से, चाहती हैं कि वापस आ जाएं। इसके लिए ये है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 165 हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। ठीक है, और कोई भी पढ़ सकता है? कोई भी पढ़े, वालदा पढ़ लें, बहन पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें। ठीक है, जबरदस्त। और बालों के लिए ये है कि बादाम का तेल, ठीक है, नारियल का तेल और जैतून का तेल, ठीक है, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये तीनों को हम वजन लेके मिला के रख लें और इस पर सूरह वल्लैल, ठीक है, 40 बार पढ़ के दम कर लें, ठीक है, और 3 बार सूरह रहमान पढ़ के दम कर लें, सुभान अल्लाह, ठीक है, और फिर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, बाल घने हो जाएंगे, जबरदस्त रहेंगे। तो ठीक है, हम ये साथ साथ, क्योंकि ईद भी आ रही है और हम एक दिन तो रखेंगे इस मुतालिक के, हम स्किन के और अच्छे बाल होने के जो है ना कुछ टोटके पूछेंगे, कुछ रूहानी इलाज पूछेंगे शेख साहब से, तो उस दिन तो खवातीन अच्छे तरीके से, बल्कि अगर आपके हैं इस तरह के सवाल आप मुझे बताइए, हम ईद से पहले इंशाल्लाह एक दिन ऐसा रखेंगे जिस पर हम ये सारी बातें कर रहे होंगे। हम जा रहे हैं किचन की जानिब, क्योंकि जो पिज़्ज़ा ऑमलेट है वो तैयार हो गया है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम ब्रेक में खा सकें पिज़्ज़ा ऑमलेट।
ऐसा ही है शेफ सुमैरा, अगर आपकी इजाजत हो तो खा सकेंगे हम। ओह जबरदस्त, ये तो पिज्जा ही लग रहा है। बिल्कुल मिनी पिज्जा। ठीक है जी, तो ये आप इस तरह पूरा स्लाइस भी डाल सकते हैं चीज का, और चीज को मेल्ट करने के लिए भी डाल सकते हैं। चीज ऑमलेट तैयार हो गया है। और प्लीज जितनी भी खवातीन, जितने रोजा कुशाई के यहाँ बच्चे आते हैं, उनसे जब भी पूछें कि आपको अम्मा ने क्या सहरी में खिलाया, वो कहते हैं पराठा, तो थोड़ा उससे मुख्तलिफ कर लें, ब्रेड के साथ चीज ऑमलेट बना के बच्चों को खिलाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वक्त है हमारे सेगमेंट रब ज़िदनी इल्मा का, और रब ज़िदनी इल्मा सहर नशरियात की खास बात यह होती है कि तीनों ही टीम्स ख़वातीन पर मुश्तमिल होती हैं। आप तीनों टीम्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हमारे साथ तीन टीम्स हैं, टीम फातिमा जिना, टीम बेगम राना लियाकत और टीम आबादी बानो बेगम। टीम फातिमा जिना का आपसे तारुफ करवा दूँ, टीम इस टीम में है सलमा खान और ईशा खान। बेगम राना लियाकत टीम में है जुबारिया नफीस और कशफ नफीस। और टीम आबादी बानो बेगम में है कवल जहरा और दुआए जहरा। मुझे दुआए जहरा बहुत पसंद है नाम, हमेशा से बहुत पसंद है। तो हम जो है वो ये राउंड शुरू करने जा रहे हैं। कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इस पहले राउंड में तमाम टीम से चार 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 सवालात हैं, हर सवाल के चार ऑप्शंस हैं, टाइम बहुत कम होता है, लेकिन गलत जवाब के कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो उसके प्लस 10 मार्क्स होंगे। हम चूँकि ये क्वालिफायर राउंड है तो कोशिश करते हैं कि जितना जल्द हो जाए उतने जल्दी जो है हम इसका फैसला कर लेंगे। बल्कि क्वालिफायर तो अफ्तारी में होता है, ये तो सहरी ट्रांसमिशन है। मैं इतनी सारी जिंदगी में कर रही हूं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले राउंड में फैसला हो जाए, वरना अगर पहले राउंड में फैसला नहीं होता है तो हम बजर राउंड की जानिब बढ़ते हैं। आपसे टीम फातिमा जिना 18 रमजान मुबारक की सहर नशरियात के रब ज़िदनी इल्मा का इस राउंड का पहला सवाल है ये। कुरान मजीद में अंबियाए कराम के नाम से कितनी सूरतें मंसूब हैं? कितनी सूरतें हैं जो अंबियाए कराम के नाम से मंसूब हैं कुरान पाक में? आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 9 या फिर 13। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। 5, 6, 9 या 13, कितनी सूरतें? 5। 5 सूरतें, कौन कौन सी आप बता सकती हैं? सूरह यूनस है, सूरह मोहम्मद है, सूरह इब्राहिम है, 3 और सूरह हूद है, 4 नंबर 5 सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम आप बोल चुकी थी। बोल चुकी हूं। अच्छा, सूरह मुजम्मिल भी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के निस्बत। वो तो लकब है। टोटल है 6 सूरतें, आपने 4 बता दी, 2 मैं आपको बता देती हूँ मजीद भी, बल्कि सारी बता दी। सूरह यूनुस है, सूरह यूसुफ है, सूरह हूद है, सूरह इब्राहिम है, सूरह मोहम्मद है और सूरह नूह है। आपने कहा था 5, आपका जवाब हुआ गलत, कुल 6 सूरतें हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल, कोई बात नहीं अभी 3 और सवाल आते हैं। किताब नात और आदाब नात, नात और आदाब नात के मुसन्निफ़ कौन हैं? डॉक्टर अज़ीज़ अहसन, अल्लामा कौकब नूरानी, अल्लामा शहज़ाद मुजद्दी या रशीद वारसी? किताब नात और आदाब नात के मुसन्निफ़ कौन हैं? अल्लामा कौकब नूरानी हो सकते हैं। अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा तीसरा सवाल, कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी का इंतकाल किस सन में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1967, 1978, 1982 या 1993। 1967, 1978, 1982 या 1993? 1967। कॉन्फिडेंस है जवाब पर आपको? जी जी, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आपने गलत जवाब दिया है। 1982 इज द राइट आंसर। आपसे मेरा चौथा सवाल, अब तक आपने 1 सवाल का सही, 2 सवालात के गलत जवाब दिए हैं। पाकिस्तान की कौमी यादगार जावेद मंजिल कौमी यादगार है, किस शहर में ये वाक़ है? लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सखर? लाहौर। लाहौर आपका जवाब दुरुस्त है। 4 सवालों में से 2 के आपने दिए सही जवाब, 2 के आपने दिए गलत जवाब। टीम बेगम राना लियाकत अली खान आप तैयार हैं? आपसे मेरा आज का पहला सवाल, जंगे यमामा में कितने हुफाज़े कराम शहीद हुए थे? जंगे यमामा में कितने हुफाज़े कराम शहीद हुए? 50, 70, 90 या 110? 70। ये अच्छा, आप मुझे पहले ही साथ साथ जवाब दे देती हैं, ये ज़बरदस्त है, ये करवाऊंगी मैं सब टीम से, टाइम बच जाएगा। 70 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नज़ीर अकबर आबादी ने किस सन में वफात पाई? 1730, 1810, 1830
या 1869, अब आपने ऐसे ऐसे नहीं किया, इंग्लिश में बोलिएगा 1830 1810 1810 1830 या 1869। नज़ीर अकबर आबादी ने किस सन में वफात पाई थी? 1730 1810 1830 या 1869? 1830 इज द राइट आंसर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दो सवालात मजीद, पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना कौन थे? मलिक गुलाम अहमद, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, मलिक गुलाम मोहम्मद, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ऑप्शन वन मलिक गुलाम। मलिक गुलाम मोहम्मद जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे तो टीम निकल गई है आगे, अब क्या होगा आपका? आपसे मेरा चौथा और आखिरी सवाल, पाकिस्तान का नाम किस शख्सियत ने तजवीज किया, बता दें? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चार में से चारों सवाल आपके आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए, वेल डन। टीम बानो बेगम, गलती गुंजाइश निश्ता पश्तो में, और उर्दू में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कोई भी गलती की, टीम बेगम राना लियाकत अली खान यहाँ से जीत कर जाएंगी आज का विनिंग प्राइज। टीम बानो बेगम, आपसे मेरा पहला सवाल आज का है ये, गज़वाए बदर, हमने गुज़िश्ता रोज़ इसका जिक्र किया, सहर में भी अफ्तार में भी, यौमुल फुरकान जिसे कहा जाता है, कितने काफिर गज़वाए बदर में मारे गए थे? 53 64 70 या 82 70 70। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बेगम राना लियाकत अली खान, जैसे जैसे वो सही जवाब देंगे आपको परेशान होना बनता है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। चमेली जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक सवाल हम जरा आसान करते हैं, उनके लिए भी आसान था चौधरी रहमत अली वाला जवाब और आपके लिए ये हो गया। अब तीसरा सवाल है आपसे ये, क्रिकेट की तारीख में एक रोज़ा मैच में सबसे पहले किसने हैट्रिक की? वनडे मैच में, वनडे याद रखिएगा, सबसे पहले किसने हैट्रिक की थी क्रिकेट की तारीख में? एक रोज़ा मैच में सबसे पहले किसने हैट्रिक की, पाकिस्तान की नहीं क्रिकेट की तारीख में? वसीम अकरम, मोहम्मद समी, वकार यूनुस, जलालुद्दीन। वसीम अकरम। वसीम अकरम पक्की बात है? वसीम अकरम बॉलर ज़बरदस्त थे या बैट्समैन ज़बरदस्त थे? जवाब तो तुम्हारा हो गया लॉक, लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ तुमसे, बॉलर ज़बरदस्त थे या बैट्समैन? बॉलर। तो फिर कोई मतलब बंदा रुक जाता है कि अच्छा गिफ्ट ही ले जाऊँ यहाँ से। हाँ, वसीम अकरम आपका जवाब गलत था, जलालुद्दीन वॉज द करेक्ट आंसर। टीम बेगम राना लियाकत अली खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हैं आज की सहर नशरियात 18 रमजान मुबारक की विनिंग टीम। और हमारी जो विनिंग टीम है वो लेकर जा रहे हैं फुटाइल की जानिब से एक ज़बरदस्त अवन, जिसके पीछे वैसी खवातीन आजकल दीवानी हुई हैं कि फुटाइल का इतना ज़बरदस्त अवन है, आप वो आज ज़बरदस्त लेकर जा रही हैं, साथ में डायमंड फोम का एक मैट्रेस भी लेकर जा रही हैं। आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन उस पर सोएगा। फर्स्ट रनर अप टीम के लिए जो है हमारी टीम फातिमा जिना, फुटाइल की जानिब से एक ब्लेंडर चॉपर आपके साथ जा रहा है, साथ में डायमंड फोम के गिफ्ट हैंपर्स हैं। हमारी जो सेकेंड अप टीम है आपके लिए वेस्ट पॉइंट की जानिब से चॉपर है और डायमंड फोम की तहाइफ आपके लिए भी है। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा एक जबरदस्त सेगमेंट रब्बे ज़िदनी इल्मा। और नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारी 18 रमजान मुबारक की सहर नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचती है। शेख तारिक अहमद शाज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान शेख अतारी भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हमारी सहर नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कुछ ही घंटों बाद इंशाल्लाह 3 बजे इफ्तार नशरियात में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन।